अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम साइन टूअल्फ़ा कॉज अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो इन क्वेश्चन के सल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री or uh, exercise 10.3 ka question number 1 question number 1 students find the values of find the values of sine 2 alpha cos 2 alpha एंड टेंट अल्फा और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है साइन अल्फा इज इक्व टू ट्वेल्व बाय थर्टीन तो साइन अल्फा की हेल्प से स्टूडेंट्स हमने साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा और टेंजन टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज पढ़े तो उन्हीं फार्मूलाज़ की हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का सोलूशन तो स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फ़ा गिवन है और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी हमें इस क्वेश्चन में एंगल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है अल्फा इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन नाइन्टी तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है जीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं और बाय टू जो है वो हमारे पास नाइन्टी डिग्री है और नाइन्टी से छोटी वैल्यूज हैं तो फर्स्ट क्वारंट ऐसा क्वारंट है जिसमें हमारे पास एंगल जीरो से ग्रेटर और नाइन्टी से छोटे होते हैं इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है अल्फ़ा जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को पिक करेंगे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तो उसमें से सिर्फ़ हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे क्योंकि फ़र्स्ट क्वारन में हमारे पास जो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोलूशन तो सबसे पहले हम साइन टू अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे तो साइन टू अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए हम साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने जो साइन का डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला हमारे पास था वो था टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन में हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है तो इसका मतलब है कि पहले हम कॉज अल्फा की वैल्यू फ़ाइंड आउट करेंगे और फिर इस फार्मूला में हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अल्फ़ा की वैल्यू फ़ाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है उसमें से जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो साइन अल्फ़ा प्लस कॉ स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू वन तो इसमें से चूंकि हमें साइन ऑलरेडी गिवन है तो साइन को स्टूडेंट्स हम राइट right साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉ अल्फा इक्वस टू वन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा तो यहां पे स्टूडेंट हम साइन की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं साइन की वैल्यू हमारे पास गिवन है ट्वेल्व बाय थर्टीन तो ये हमारे पास बनेगा वन माइनस ट्वेल्व बाय थर्टीन और ये इस वैल्यू का स्क्वायर आएगा तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉ अल्फा इक्व टू वन माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर हमारे पास है वन फोर्टी फोर और थर्टीन का स्क्वायर हमारे पास है वन सिक्सटी नाइन फर्दर स्टूडेंट्स हम इसका एल्सियम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉ स्क्वेयर अल्फाइज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन माइनस वन फोर्टी फोर ओवर वन सिक्सटी नाइन तो फर्दर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कॉ स्क्वेयर अल्फा इक्वल्स टू तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 25 ओवर 169 तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉ अल्फा की वैल्यू है तो कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉ अल्फा अल्फाइज इक्व टू ट्वेंटी फाइव ओवर वन सिक्सटी नाइन तो इसका स्टूडेंट्स हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वेयर रूट और राइट right साइड पे भी हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा कॉज अल्फा और राइट right साइड पे हमारे पास आएगा प्लस माइनस फाइव ओवर थर्टीन तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो चूंकि हमारे पास जो अल्फा है अल्फा एंगल फर्स्ट क्वार्टर में है और फर्स्ट क्वार्टर में सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे सो so, हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू आएगी कॉज अल्फा इज इक्वल टू फाइव बाय थर्टीन तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फा की हेल्प से कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसमें है साइन टू अल्फा हम साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स तो सबसे पहले हम साइन टू अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखते हैं साइन टू अल्फा का फार्मूला हमारे पास है साइन टू अल्फा इक्व टू टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो इस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा साइन टू अल्फा इक्व टू टू साइन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है ट्वेल्व बाय थर्टीन तो ये हम साइन अल्फा की जगह लिखेंगे ट्वेल्व बाय थर्टीन और इसी तरह से कॉज अल्फा की जगह जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है कॉज अल्फा इक्वल टू फाइव बाय थर्टीन तो इसकी जगह हम कॉज की वैल्यू पुट करेंगे फाइव बाय थर्टीन तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से ट्वेल्व को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी और सिक्सटी को टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा वन ट्वेंटी और डिनोमिनेटर में हमारे पास थर्टीन और थर्टीन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा वन सिक्सटी नाइन तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कॉस टू अल्फा की वैल्यू और कॉस टू अल्फा का सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे कॉस्ट टू अल्फा के स्टूडेंट्स हमने तीन फार्मूलाज लिखे उनमें से हम किसी भी फार्मूला का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू भी गिवन है और कॉज अल्फा की भी तो जो हमने फर्स्ट वाला फार्मूला पढ़ा कॉस टू अल्फा का कॉस टू अल्फा इक्व टू कॉज स्क्वायेर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा तो चूंकि स्टूडेंट्स हमें दोनों वैल्यूज ही गिवन हैं इन वैल्यूज को यहाँ पे हम सब्सिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉस टू अल्फा इक्व टू कॉज अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी फाइव बाय थर्टीन फाइव बाय थर्टीन स्क्वेयर माइनस और जो साइन टू अल्फा है साइन टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी ट्वेल्व बाय थर्टीन ट्वेल्व बाय थर्टीन स्क्वायर तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा फाइव स्क्वायर हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव डिनोमिनेटर में थर्टीन स्क्वायर है वो हमारे पास आएगा वन सिक्सटी नाइन माइनस 12 स्क्वायर वन फोर्टी फोर और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा वन सिक्सटी नाइन तो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम हैं तो हमारे पास जो तो एल्सियम है वो वन सिक्सटी नाइन आएगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट सेम टर्म्स आएंगी 25 फाइव माइनस वन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स तो 25 में से हम 144 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस वन और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 169 तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टेंजेंट टू अल्फ़ा टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए स्टूडेंट्स एक तो हमने टेंजेंट का जो डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला था वो भी पढ़ा था लेकिन जो इसको आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि हमारे पास जो टेंजेंट टू अल्फ़ा है टेंजेंट टू अल्फ़ा को स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में तो हमारे पास जो टेंजेंट टू अल्फा है टेंजेंट टू अल्फा की जगह पे हम इसको लिखेंगे साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा तो इस तरीके से स्टूडेंट्स सॉल्व करने का जो का जो परपस है वो ये है कि हमने चूंके क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं इसलिए हम उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्सिटीट्यूट करेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स हम साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यूज को इनमें पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट टू अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन टू अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास थी वन ट्वेंटी ओवर वन सिक्सटी नाइन और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस्ट टू अल्फा और कॉस्ट टू अल्फा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है कॉस्ट टू अल्फा की वैल्यू है माइनस वन वन नाइन ओवर वन सिक्सटी नाइन तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर denominator के डिनोमिनेटर्स को अगर हम देखें यहाँ पे 169 है और नीचे भी हमारे पास 169 है तो इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो टेंजेंट टू अल्फा है टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस वन ट्वेंटी ओवर वन वन नाइन तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा की हेल्प से टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट और इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है कॉज अल्फा इज इक्व टू थ्री बाय फाइव तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में हमें कॉज अल्फा की वैल्यू गिवन है थ्री बाय और हमने साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फ़ा और टेन इं टू अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और स्टूडेंट्स जैसा कि हमें प्रीवियस पार्ट में पार्ट नंबर वन में देखा कि हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पा बाई टू या नाइन्टी तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने वैल्यूज़ को लेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम साइन टू अल्फा का फार्मूला लिखते हैं साइन टू अल्फा का फार्मूला हमारे पास है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास कॉज की वैल्यू गिवन है और इस फॉर्मूला में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है साइन अल्फा की तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वेर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वस टू वन तो चूंकि हमें कॉज की वैल्यू गिवन है तो कॉज को हम राइट right साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वेयर अल्फा टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा साइंस स्क्वायर अल्फा इक्व टू वन माइनस थ्री बाय फाइव होल स्क्वायर तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा वन माइनस नाइन ओवर ट्वेंटी फाइव और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन ओवर ट्वेंटी फाइव इसको हम स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करेंगे तो ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस करेंगे हमारे पास आएगा सिक्सटीन और डिनोमिनेटर है हमारे पास ट्वेंटी फाइव और स्टूडेंट्स ये हमारे पास है साइन स्क्वेयर अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फाज इक्व टू सिक्सटीन ओवर ट्वेंटी फाइव तो चलिए स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वेयर रूट लेफ्ट साइड पे भी और राइट right साइड पे भी तो लेफ्ट साइड हमारी जो है वो बनेगी साइन अल्फा टू प्लस माइनस फोर ओवर फाइव तो चूंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे तो हमारे पास जो साइन अल्फा है साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी फोर ओवर फाइव तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कॉज अल्फा की हेल्प से साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो अब हम स्टूडेंट्स इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू एक दफ़ा फिर से हम फार्मूला लिखते हैं साइन टू अल्फ़ा का साइन टू अल्फ़ा हमारे पास है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर वैल्यूज को पुट करें तो सबसे पहले हमारे पास टू है उसके बाद है साइन अल्फा जिसकी वैल्यू हमारे पास है फोर बाय फाइव और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कॉज अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है थ्री बाय फाइव तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा न्यूमिनेटर की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा ट्वेंटी फोर और डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा ट्वेंटी फाइव तो ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन टू अल्फा की तो साइन टू अल्फ़ा के बाद स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉज टू अल्फ़ा की वैल्यू उसके लिए हम cos टू अल्फा का फार्मूला लिखेंगे और स्टूडेंट्स cos टू अल्फा का फार्मूला हमारे पास है कॉस स्क्र अल्फा माइनस साइन अल्फा तो इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास जो कॉज अल्फा है कॉज अल्फा की वैल्यू हमारे पास है थ्री बाय फाइव जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है थ्री बाय फाइव स्क्वेयर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है फोर बाय फाइव तो ये हमारे पास आएगा फोर बाय फाइव का स्क्वायर तो नेक्स्ट स्टूड्स हम इन स्क्वायर्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी नाइन ओवर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन ओवर ट्वेंटी फाइव फर्दर स्टूडेंट्स हम एल्शियम लेंगे एल्शियम हमारे पास आएगा ट्वेंटी फाइव और न्यूमिनेटर में टर्म्स आएंगी नाइन माइनस सिक्सटीन इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा माइनस सेवन ओवर ट्वेंटी फाइव तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस टू अल्फा की वैल्यू तो ये हमने कॉस टू अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेंजन टू अल्फा की वैल्यू टेंजेंट टू अल्फा तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट टू अल्फा है टेंजेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस के फॉर्म में तो ये हमारे पास बनेगा साइन टू अल्फा ओवर कॉस टू अल्फा तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा टेंट टू अल्फा इक्व टू साइन टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो थी वो है जो हमने फाइंड आउट की 24 ओवर 25 और इसी तरह से जो कॉस टू अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो है माइनस सेवन ओवर 25 तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 और 25 जो है वो हमारे पास कैंसल आउट होगा तो फाइनली जो हमारे पास टेंज एन टू अल्फ़ा है टेंज एंड टू अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस ट्वेंटी ओवर सेवन तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन टू अल्फ़ा और कॉस टू अल्फ़ा की हेल्प से टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो स्टूडेंट्स लास्ट पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्वेश्चन में हमारे पास साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा रिक्वायर्ड नहीं है सिर्फ अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि आप टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अभी तो चूंकि स्टूडेंट्स हमें साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा भी क्वेश्चन में गिवन था फाइंड आउट करने के लिए तो हमने इन दोनों की हेल्प से फिर हमने टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ले थी लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछा जाए कि सिर्फ टेंजेंट टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फिर हम साइन टू अल्फ़ा और कॉज टू अल्फ़ा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट नहीं करेंगे उसके लिए फिर हम सिर्फ जो टेंजेंट टू अल्फ़ा का फार्मूला है उसी को यूज़ करेंगे और टेंजेंट टू अल्फ़ा का फार्मूला जो हमारे पास था टेंजेंट टू अल्फ़ा इज़ इक्व टू टू टेंजेंट अल्फा ओवर वन माइनस टेंजेंट स्क्वेयर अल्फा तो स्टूडेंट्स अगर हमें साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा की वैल्यूज किसी क्वेश्चन में नहीं पूछी गई सिर्फ टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स हम फिर टेंजेंट टू अल्फा का डायरेक्ट फॉमूला यूज करेंगे टू टेंजेंट अल्फा और वन माइनस टेन स्कोयर अल्फा तो क्वेश्चन में जो भी रेशो हमें गिवन होगी उस रेशो की हेल्प से हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम इस फॉर्मूला में सब्सिट्यूट करेंगे तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर वन का सलूशन समझ आया होगा जिसमें हमने साइन टू अल्फा कॉज टू अल्फा और टेंजन टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट की तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में